रेलवे स्टेशन परिसर में सोमवार की शाम लावारिस बैग से जिलेटिन की छड़े और डेटोनेटर बरामद किया गया है। इससे पुलिस के होश उड़ गए हैं। एहतियात के तौर पर रेलवे स्टेशन और गिट्टी खदान स्थित मुख्यालय का परिसर कुछ समय के लिए बंद कराया गया। माना जा रहा है कि कहीं यह शहर में अथवा रेलवे स्टेशन पर विस्फोट करने की साजिश तो नहीं है। पुलिस विस्फोटक सामग्री बेचने वाली स्थानीय कंपनियों के बारे में भी छानबीन कर रही है। स्टेशन के मुख्य द्वार के पास रेलवे पुलिस का यातायात बूथ है। बूथ के कुछ अंतराल पर रेलवे पुलिस के जवान संदीप तुमडाम को लावारिस रिवीजन का बैग दिखाई दिया। बैग खोलने पर उसमें जिलेटिन की छड़े दिखी। संदीप ने तत्काल इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षक मनीष काशित को दी। इसके बाद रेलवे का बम शोधक दस्ता श्वान पथक और मेटल डिटेक्टर के साथ मौके पर पहुंचा। बैग की जांच पड़ताल में विस्फोटक सामग्री होने का संकेत मिला। इसके बाद शहर पुलिस के बम शोधक दस्ते को सूचना दी गई। साथ ही स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारी भी दलबल के साथ पहुंच गए। शहर पुलिस का बम शोधक दस्ता बैग को गिट्टी खदान मुख्यालय के पास निर्जन स्थान पर ले गया, जहां पर विस्फोटक सामग्री को निष्क्रिय किया गया। कार्रवाई के दौरान रेलवे स्टेशन परिसर के पास उड़ान पुल के नीचे स्थित होटल भोजनालय सहित अन्य दुकानों को बंद करा दिया गया। लोगों के आवागमन पर भी रोक लगा दी गई। आसपास का परिसर सील होने से लोगों ने मॉक ड्रिल समझा, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़े हुए थे। उल्लेखनीय है कि शहर आतंकियों के निशाने पर रहा है। सब मुख्यालय पर हमला करने की नाकाम कोशिश पूर्व में की जा चुकी है। पाइप बम भी शहर में बरामद हो चुका है। हाल ही में संघ मुख्यालय और हेडगेवर स्मृति मंदिर की रेकी करने का भी खुलासा हुआ है, जिससे बरामद विस्फोटक सामग्री से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। रेलवे स्टेशन के परिसर में एक बैग में 54 डेटोनेटर्स मिले हैं, जिसमें एक्सप्लोसिव्स कंटेंट काफ़ी कम था और उसको क्रैकर्स में जिस प्रकार के कंटेंट होते हैं वैसा है, ऐसी प्राथमिक एक्सपर्ट्स की तरफ से जानकारी मिल रही है। ये इसमें रेलवे पुलिस जीआरपी के द्वारा एक्सप्लोसिव्स एक्ट के अंतर्गत गुना दाखिल किया गया है और तपास उनके द्वारा किया जा रहा है। सिटी पुलिस पैरेलल इन्वेस्टिगेशन और उनके साथ मिलकर तपास करके इसमें कौन किसकी बैग थी और कैसे छोड़ी गई थी उसके बारे में सभी दृष्टि से तपास शुरू है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़, नागपुर।